अब इसके अंदर जाऊंगा, ठीक है, टिकट वगैरह लूंगा, पूरा डिटेल में आपको वीडियो बताऊंगा। और बहुत सी जगह अलाउ नहीं रहता है वीडियो का शूट करने का, तो हो सका तो आपको वो अवॉइड कर दूं मैं, लेकिन जितना हो सकेगा उतनी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाल किले के सामने, ठीक है। अब वो ताजमहल तो आपने देख लिया है, अब आपको दिखा देता हूँ लाल किला। तो चलिए अंदर से लाल किला भी दिखा देता हूँ। ताजमहल आओ तो लाल किला जरूर आना, एक बार लाल किला भी घूम के जाना। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो ये सीन है भाई लाल किले का, ये देखो सामने, और ये यहाँ पर टिकट्स घर है, इधर टिकट घर की लाइन है पूरी। बहुत प्यारा बना हुआ है लाल किला, बनावट बहुत अच्छी है इसकी। और यहाँ पर सभी, ये दो काउंटर्स हैं यहाँ पे, इंडियन और इधर फॉरनर्स, विदेशी लोगों के लिए, बाहर के जो रहते हैं गल्फ वगैरह से, उनके लिए। और ये इंडियंस के लिए है, तो इंडिया वाले जो रहेंगे वो इस लाइन में लगेंगे। चलो देखते हैं टिकट वगैरह क्या रेट है, सब लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए कुल योग 50 रुपये, सबसे बेस्ट ये रहेगा, कुल योग 50 रुपीज टोटल जो लिखा हुआ है, ये बेस्ट। वही ये ले लिए टिकट्स, ठीक है। चलिए अब अंदर चल के दिखाते हैं आपको, टिकट लेने के बाद अंदर क्या सीन है क्या नहीं, पूरा टोटल दिखाते हैं, ठीक है। तो भाई ये सीन है, देखो नीचे, देखो यार नीचे, ये पुराने ज़माने की सड़क, पहले इस टाइप से बनाते थे, आज की बनाते हैं तो साला थोड़े टाइम में ख़राब हो जाती है। देखो सालों पुरानी है, सालों पुरानी है, अभी तक चल रही है पूरी। नीचे नीचे का रोड पूरा टिकट काउंटर, वहाँ पे चेक कराएंगे टिकट्स, सॉरी ये यहाँ पे टिकट्स काउंटर है, टिकट्स चेक करा के उसके बाद में सीधे फिर अंदर चेकिंग होगी। यहाँ पे गुटके पाउच वगैरह कुछ, पुरुष महिला लेडीज जेंट्स, चेक होने के बाद में भाई ये देखो क्या सीन है यार, जबरदस्त, बहुत हाइटेड है ये पूरा। और यहाँ पर थोड़ा ऐसा गार्ड सेक्शन है, ऊपर चढ़ना पड़ता है थोड़ा, और ये पूरा गेट है मेन, ये मेन गेट है, प्लीज लाइन में लगना पड़ेगा भाई, सिंगल पट्टी लाइन में लगना पड़ेगा। देखो पुरानी लकड़ी है, अभी तक सिर्फ कलर हुआ है इस पर और कुछ नहीं, और पूरा ये जो है यहाँ पर पहले सिपाही वगैरह खड़े रहते थे। यहाँ पर सिपाही वगैरह पहले खड़े रहते थे उस टाइप से, और ये पूरा किला है अंदर, देखो ₹50 पर पर्सन है यहाँ पर, ₹50 एक का टिकट है। और आई होप कि अंदर उजाला हो, ज़्यादा अंधेरा ना हो, पानी की व्यवस्था हर जगह यहाँ पर, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को, हर जगह पीने का पानी मिलेगा। लेकिन बाहर से खाने का कुछ नहीं ला सकते, क्योंकि खाने का बाहर से जितना ज़्यादा लाएंगे उतनी ज़्यादा गंदगी होगी अंदर, इसलिए बाहर से खाने का कुछ भी नहीं लाते। टोटली गार्ड सेक्शन है यार, जाने में तो हालत ही ख़राब होना है पूरी, वो यहाँ से भी चढ़ के जाना पूरा, चल चल के हालात ख़राब हो जाएगी पूरी। बहुत से लोग तो गर्मी से परेशान हो गए बेचारे, खास करके ये समर सीज़न के लगभग जो है थोड़ा अवॉइड करो, हो सके तो विंटर सीज़न बेस्ट रहेगा, विंटर सीज़न में आओ सबसे बेस्ट रहेगा, समर सीज़न में हालत ख़राब हो जाती है। वैसे तो अभी रेनी सीज़न है, जुलाई में शूट कर रहा हूँ मैं, जुलाई है अभी, जुलाई में देखा जाए तो रेनी सीज़न है, बट रेनी सीज़न में भी काफ़ी गर्मी है, क्योंकि इधर पानी नहीं गिरा, आगरा साइड, मुंबई साइड बारिश है, आगरा साइड नहीं है बारिश। बहुत लंबा है भाई, दूर तक है,
चलिए फिर आगे से दिखाता हूँ मैं आपको। ये दीवारें देख पा रहे हो भाई, ये उस जमाने की दीवारें हैं, अभी तक सुरक्षित है। जब उस जमाने में ना कोई बिरला सीमेंट थी ना कोई अल्ट्राटेक सीमेंट थी, ये है देसी जुड़ाई पुराने लोगों की, अभी तक महफूज है। दीवारें देखो, हल्का फुल्का रिपेयर करते हैं थोड़ा सा गवर्नमेंट इनको, क्योंकि वो ज़्यादा रिपेयर कर देंगे तो इसकी ओरिजिनलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये चढ़ने के बाद देखिए सामने, ये इसका मेन गेट और यहाँ से ये एग्जिट पोल एग्जिट। हाँ ये इंटर साइड है इसका, यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा। और ये बाहर पूरा गार्डनिंग दिया हुआ है इस टाइप से, बहुत ही प्यारा बना हुआ है यार, सच में पैसा वसूल है, बहुत ही मस्त बना हुआ है, पूरा पैसा वसूल है। साइड में एक वो गेट है आने के लिए और इंटर के लिए ये वाला गेट है सामने मेन गेट। ये है भाई जहारी का स्नान कुंड है, ये देखो जहांगीर का स्नान कुंड है। इसमें नहाते थे भाई जहांगीर साहब, हम तो बाल्टी से ही नहा लेते अभी। तो भाई फाइनली एंट्री, ऐसा है कुछ सीन यहाँ के। वो बाहर का है, उधर बाहर से आते हैं, ये अंदर है इंटर। भाई अंधेरा है, थोड़ा अंधेरा टाइप लग रहा, ये पता नहीं कौन सी जेल दिख रही है। भाई जब ये लॉक लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ अंदर जाना मना है, यहाँ नहीं जा सके। स्मेल थोड़ी अजीब सी आ रही है यार, कुछ तो भी स्मेल आ रही है, जैसे पुराने किले वगैरह में जो आती है ना वो अलग सी स्मेल वो आ रही है। ये सामने पूरा यहाँ से ओपन है, ऊपर कोई टेरेस वगैरह नहीं। यहाँ पता नहीं अलग अलग दे रखे हैं रास्ते, ये अंदर जाने के लिए हैं, अलग अलग साइड से दे रखे हैं। ये पूरा सा मैदान टाइप है। शुरुआत यहाँ से करते हैं भाई, ठीक है चलो यहाँ अंदर चलते हैं, यहाँ का सीन समझते हैं यहाँ क्या है। ये तो थोड़ा अंधेरा टाइप यार, कैद खाना दिख रहा है, पूरा कैद खाना ही लग रहा है मेरे को तो, पूरा कैद खाना है भाई। यहाँ भी अंदर से बंद है, ये पुराने टाइम के दरवाजे अभी तक है यहाँ पर, ऊपर से ओपन है ये भी। वो एक तरह से भूल भुलैया दिख रहा है यार भाई, इधर जाना या इधर जाना, इधर जाता
इधर जाते हैं, देखते हैं कहाँ निकलेंगे। वो भाई साहब बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है यार, ये तो बहुत ही प्यारा बना हुआ है भाई। कृपया रेलिंग से दूरी बनाए रखें, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से एक व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, पूरा रोड दिख रहा है सामने भाई। ये देखो सामने जो विंडो दिख रहा है ना आपको, ये बंद है अभी, ठीक है ना। एक अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये सामने बंद है, ठीक है ना। अब चलिए इसको दिखाता हूँ मैं आपको, अंदर से दिखाता हूँ, ठीक है। ये कोई साइंस नहीं भाई, ये पहले के लोगों का दिमाग है। अब देखो ये विंडो पूरा ओपन है, दिख रहा है सामने, सामने वो टेरेस दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ से पूरा दिख रहा है, पूरा वो टेरेस भी दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ बाहर से नहीं दिखेगी। देखो इधर आओ, पूरा पेक है भाई, देख लो फिर से देख लो। कहाँ लगता है साइंस भाई आजकल, कितना भी पीछे चले जाओ भाई, ग्रह पूरा वॉल पैक। बेस्ट व्यू फॉर ताजमहल, यहाँ से अच्छा व्यू है। ये नदी जा रही है, राजा रानी का बेडरूम, ये राजा रानी का बेडरूम है भाई। राजा रानी का बेडरूम है, यहाँ पर आराम करते थे राजा रानी। और सामने से वहाँ से दिखेगा ताजमहल, वहाँ सामने ताजमहल। ये बारिश का पानी निकालने के लिए टेक्नोलॉजी पुरानी, यहाँ से बारिश का पानी बाहर जाएगा। ये भी पत्थर का बना हुआ है, ऐसा कुछ सीन है भाई। यहाँ पे पहले के टाइम में पानी वानी भरा हुआ रहता था, थोड़ा गार्डनिंग टाइप था। बाबू चलो इधर आ, इधर आ। ने
ये मीना मस्जिद है भाई, जिस जगह पर अभी खड़े हैं। ये एक तरह का, ये जो एरिया दिख रहा है ना खाली, यहाँ पर एक मार्केट लगता था लेडीज़ों का, मतलब सिर्फ लेडीज़ आइटम मिलते थे यहाँ पर, जेंट्स अलाउड नहीं थे। और ये अकबर बादशाह का है पूरा महल, पूरा महल जो है अकबर बादशाह का है। और ये यहाँ एक तरह का मार्केट था, जैसे अभी की कंडीशन में हमारे इधर जो रहते ना मॉल वगैरह, उस टाइप से यहाँ पर पहले के टाइम पे एक मार्केट हुआ करता था, यहाँ पर सभी चीज़ें मिलती थी। सामने ताजमहल, मैंने बनवाई एक चीनी का रोज़ा इधर, वो भी शाहजहाँ के टाइम का है। सिंहासन इसमें बहुत सारे, ये खास सिंहासन है। ये है भाई तख्त, है ये एक तरह का बैठने का। बैठने का तख्त है एक तरह से, जो वीआईपी चेयर जो बोलते हैं वो है, इससे वीआईपी वो है सामने, ये ज़्यादा वीआईपी है। यहाँ जो यहाँ बैठते हैं तख्त है ये शाहजहाँ का, बादशाह अकबर का, ये तख्त है पुराना। जूते चप्पल अलाउ नहीं है भाई, ये नोटिस जारी किया हुआ है, जूते चप्पल अलाउ नहीं है, क्योंकि अंदर जो है मस्जिद है, मस्जिद में जूते चप्पल अलाउ नहीं है, एहतराम है मस्जिद का। देखिए मस्जिद, उस टाइम की मस्जिद है, पुराने वक्त की ये मस्जिद है। और नमाज वगैरह होती होगी, अभी भी नमाज होती। और ये फ्रांस से आए हुए हैं, इलियोट है, यू आर अलेक्सी ओके। Say hi. You will show on YouTube. Sorry, YouTube. You don't know YouTube channel? YouTube channel, my. Nagina Masjid. 1635. 1635 सदी।
बाहर। ओ भाई साहब, ये अलग ही सीन है भाई। पूरा लार्जेस्ट एरिया में बना हुआ है। ये सभी प्याऊ है भाई। इधर ठंडे पानी की व्यवस्था फुल है। यहाँ सभी दूर पानी का पानी है और ये पूरा किला घूम चुके हैं। ठीक है, अब हम निकलेंगे बाहर। वहाँ सब दूर घूम लिया है पूरा, जितना हो सका दिखा दिया वीडियो में मैंने आपको। अब ये निकलेंगे बाहर। ये है एग्जिट, है ना, यहाँ से निकलेंगे सीधे बाहर। बाहर निकलने के बाद जो है अपना वही वापस से जिस रोड से आए थे वही रोड मिल जाएगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया यार, क्योंकि डिटेल में जाने से कोई मतलब नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, जो भी है खेल अकबर शाहजहां मुमताज़ इन तीनों के बीच का है खेल। आप आओ यहाँ पर, इंजॉय करो, फैमिली लेके आओ, फैमिली के साथ आओ, बढ़िया। क्योंकि मेन चीज़ जो है वो ये रहता है कि भाई टिकट्स कितना है और अंदर क्या क्या चीज़ अलाउ है, क्या ले क्या नहीं अलाउ है। तो यहाँ पर भी कुछ भी खाने पीने का अलाउ नहीं है बाहर का, ये बात ध्यान रखना। ताजमहल में भी कुछ भी नहीं अलाउ नहीं था, वहाँ से भी कुछ नहीं, वहाँ पे भी कुछ नहीं ले जाने देते बाहर का, और यहाँ पर भी कुछ नहीं, सिर्फ पानी की बोतल ले जा सकते हो आप अंदर, बाकी गुटखा पाउच वगैरह ये कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं ले जा सकते। ठीक है ना भाई, सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइड्स यहाँ पर हर जगह अवेलेबल रहेंगे आपको, जो अगर आप थोड़ा सा अगर आपका बजट ज़्यादा है तो गाइड्स भी कर सकते हैं। तो गाइड करने में क्या रहेगा कि आपको प्रॉपर तरीके से समझा देगा, मतलब जो टूर आपका लग रहा है 15-20 आधा घंटा या पौन घंटे में आप चल रहे हो, तो अगर गाइड लोगे तो आप गाइड आपको 1.5 आवर्स में कम्प्लीट कर देगा पूरा गाइड्स। और ये यहाँ पे जो वॉल्स है ये अभी भी देखो, वॉल्स अभी भी बरकरार, और ये वॉल्स की हाइट क्या होगी यार, कितनी हाइट होगी इसकी यहाँ से वहाँ तक पूरी। ठीक है, ये किले का मेन गेट है बाहर निकलने का, अंदर आने का और बाहर आने का। यहाँ पर सिर्फ एक ही गेट है बाहर अंदर आने के लिए। तो भाई ऐसा है कुछ सीन। ठीक है, जहाँ तक हो सका मैंने आपको दिखा दिया है, और ज़्यादा दिखाऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा यार भाई, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जितना हो सका एक मोटा मोटा बाइट्स ले लिया है मैंने, जितना हो सका आपको दिखा दिया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर याद से करो।
ये सर यहाँ पे गाइड का क्या रेट रहता है? गाइड का क्या रेट रहता है? कितने लोग हैं सर? नहीं जैसे दो लोग रहे तो क्या रेट रहेगा? 675 दो जनों का है ना? अच्छा गाइड्स भी कर सकते हैं 675 में रहता है दो जनों का, और ज़्यादा जने अगर रहते हैं मतलब मेंबर्स के ऊपर डिसाइड, मेंबर्स के ऊपर डिसाइड रहता है, ज़्यादा अगर मेंबर है तो उस गाइड से जितने ज़्यादा मेंबर रहेंगे उतने ज़्यादा पैसे बढ़ाएगा, और दो मेंबर का 675 बोला उसने। वैसे बार्गेनिंग होता है यहाँ पर, आइए आप भाव भी कीजिए आराम से, कम भी होता है पैसा, अगर भाव करोगे तो बहुत कम होएगा, यहाँ पर हर चीज़ में भाव होता है भाई। ठीक है तो चलिए अब बाहर निकलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार भाई, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतनी सी हेल्प कर दो आपके भाई की, ताकि ऐसी अपडेट और लाता रहूँ, आगे थोड़ा मोटिवेट मिले मुझे भी, तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।